वेलकम बैक्स व्यूअर फ्रॉम स्टार प्रॉपर्टी सेफ चैनल में स्वागतम। आज लेके आया हूँ बेसिक इंडियन वाइट ग्रेवी, कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखेंगे तो आप भी वाइट ग्रेवी बना पाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इस तरह का वाइट ग्रेवी बना सकें। देख लीजिए, एक सबसे बड़ा लगन ले लिया हूँ ताकि हम लोग इसमें ही बॉईल करेंगे। इसमें पानी ऐड कर देता हूँ ताकि जो हमारा ओनियन इसमें और काजू इसमें बॉईल कर सके। सबसे पहले क्या है ना दोस्तों, ओनियन में पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर दिया हूँ ताकि जो हम लोग ओनियन अच्छी तरह से वॉश करके और बॉईल कर सके। ओनियन से काला हो जाता है ग्रेवी, तो इसी तरह से अच्छी तरह से वॉश कर दिया हूँ ताकि हमारा जो ग्रेवी वाइट कलर का हो सके। तो इसके बाद में क्या है ना दोस्तों, 4 kg हमारा काजू ले लियो, जिसका नाम होता है काजू और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैसुनेट। तो देख लीजिए, ये हमारा कैसुनेट है, इसको भी अच्छी तरह से वॉश कर देता हूँ ताकि जो हमारा ग्रेवी अच्छी तरह से वाइट हो सके। तो देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से वॉश कर देना, 3 से 4 टाइम तक अच्छी तरह से वॉश कर दें। इस ग्रेवी जो है वाइट ही ग्रेवी बनाना है और इसमें आप बहुत सा आइटम बना सकते हैं। आप चाहे तो वेज आइटम भी बना सकते हैं और चाहे तो नॉन वेज आइटम भी बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है ना दोस्तों, ओनियन 15 kg ऐड कर दिया था, अभी क्या है ना अच्छी तरह से कैसुनेट भी, जिसको काजू बोलते हैं, काजू को अच्छी तरह से ऐड कर देता हूँ ओनियन के साथ में। अभी क्या है ना दोस्तों, इसको अच्छी तरह से इसको बॉईल करने के लिए इसको कैसुनेट और काजू ओनियन दोनों मिक्स करके बॉईल करता हूँ ताकि जो हमारा ग्रेवी वाइट ग्रेवी बन सके। इस तरह से काजू और ओनियन को बॉईल कर दिया हूँ। देख लीजिए, हमारा 1 घंटे में जो है काजू और ओनियन अच्छी तरह से बॉईल हो गया। अभी क्या है ना दोस्तों, इसको स्ट्रेन कर देता हूँ ताकि जो हम लोग इसको पेस्ट करना है तो ग्राइंडिंग करना है, तो इस तरह से इसको स्ट्रेन कर देता हूँ ताकि आप चाहे तो उसको आइस डाल के ठंडा कर सकते हैं, आप चाहे तो पानी डाल के ठंडा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, एक जाली ले लियो ताकि हम लोग इसमें जाल डाल के इसको स्ट्रेन कर सकें। स्ट्रेन करने के बाद ठंडा हो गया हमारा कैसुनेट और ओनियन। तो इस तरह से ग्राइंडिंग के लिए एक मशीन है हमारे पास, देख लीजिए, इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग मशीन, और हम लोग इसको ग्राइंडिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं ताकि जो हमारा ग्रेवी पेस्ट हो सके, फाइन हो सके। आपको पेस्ट करते हुए भी आपको दिखा दिया कितना जो हमारा ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त वाइट ग्रेवी है। आप चाहे तो बहुत सा आइटम में यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप नॉन वेज आइटम में भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो वेज आइटम में यूज कर सकते हैं इस तरह का वाइट ग्रेवी। तो आपको कैसा लगा वाइट ग्रेवी, तो इस तरह का जो रेसिपी आपको शेयर किया हूँ ताकि आप भी इस तरह का वाइट ग्रेवी बना सकें। और आप चाहे तो होटल में बना सकते हैं, आप चाहे तो रेस्टोरेंट में भी इस तरह का वाइट ग्रेवी बना सकते हैं। तो हमारा जो ग्रेवी है अच्छी तरह से फाइन पेस्ट हो गया। अभी क्या है दोस्तों, इसको बंद करके इसको निकाल देता हूँ, एक स्टील का कंटेनर लियो ताकि हम लोग इसमें निकाल सके और हम लोग इसका तड़का बना सके। तो देख लीजिए दोस्तों, जो हमारा ग्रेवी है पूरा फाइन पेस्ट हो गया, वो भी 30 मिनट्स में इस तरह का पेस्ट हो गया। क्या है ना दोस्तों, इसको अभी क्या है ना दोस्तों, इसको जो ग्रेवी जो रिमाइनिंग जो इसमें रह जाता है, अभी क्या है ना इसमें इसको नॉर्मल पानी डाल के रिमाइनिंग जो ग्रेवी रहता है उसको निकाल लेता हूँ। तो देख लीजिए, इस तरह से नॉर्मल पानी डाल के अच्छी तरह से क्लीन कर लेता हूँ ताकि हमारा ग्रेवी वेस्ट ना हो। तो इस तरह से पानी डाल के ग्रेवी निकाल लेता हूँ, इस तरह से पानी डाल के पूरा खाली कर देता हूँ। देख लीजिए, इस तरह से पानी जो है नॉर्मल पानी ऐड करता हूँ, और जब हम लोग ग्रेवी जब तड़का मारेंगे उस टाइम में भी हम लोग पानी डालना है ताकि जो हमारा ग्रेवी अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से कुक हो सके, और हमारा कोई से भी खाना बनाएंगे उस टाइम में भी हमको कुक करना कम पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो ग्रेवी है ना अच्छा, जितना अच्छा कुक होएगा और उतना अच्छा आपका टेस्ट आएगा। चलो आपको तड़का मारता हूँ, इसका तड़के का रेसिपी आपको दिखाता हूँ और इसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज करता हूँ। सबसे पहले 1 लीटर ऑयल है, और ग्रीन कड़ामम है, सिनेमन स्टिक है और बे लीव्स है। इस तरह का हम लोग तड़का में यूज करेंगे। अब ग्राम इस डालते हुए आपको बता देगा। सबसे पहले देख लीजिए, हमारा जो एक हांडी ले लिया हूँ, अब इसमें तड़का मारना है। तो सबसे पहले क्या है ना दोस्तों, 1 लीटर ऑयल यूज करता हूँ। इस तरह से ऑयल डाल दियो, 10 से 15 पीस, इसका नाम होता है बे लीव्स, और ग्रीन कड़ामम और सिनेमन स्टिक ईच 50 ग्राम दोनों लिया हूँ, सिनेमन स्टिक और ग्रीन कड़ामम, और 10 से 15 पीस हमारा बे लीव्स। और इस तरह से हमारा जो गर्म मसाला था उस तरह अच्छी तरह से सते हो गए। उसके बाद में 400 ग्राम्स ऐड किया हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह से इसको सते करना है ताकि जो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से कुक हो जाए। और देख लीजिए, इसमें कुक होएगा तो आपका जो फ्लेवर है जिंजर से अच्छा फ्लेवर आता है और गार्लिक से अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमारा जिंजर गार्लिक जो है कुक प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ। उसके बाद में क्या है ना, जो हम लोग जो काजू और ओनियन जो पेस्ट करके रखे थे अब इसमें ऐड करना है ताकि जो हमारा ग्रेवी, देख लीजिए ये हमारा ग्रेवी पूरा अच्छी तरह से हो गया।
रेडी है पेस्ट हो गया। अभी क्या है ना इसमें ऐड कर देता हूँ, देख लीजिए हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सब भी अच्छी तरह से सते हो गया। अभी देख लीजिए इसको ऐड कर देता हूँ जो तड़के के ऊपर में, ताकि हमारा ग्रेवी इसमें बना सके और अच्छे से अच्छा कुक कर सके। अभी तो अच्छी तरह से बॉईल करना है इसको, ग्रेवी को बॉईल बोले तो कुक करना है। देख लीजिए जैसा रोगन आएगा पहले जैसा, अभी कितना रोगन है, लास्ट टाइम में भी इस तरह से रोगन आएगा। तो अभी क्या है ना दोस्तों, हमारा जो ग्रेवी है ज़्यादा थिकनेस है, अभी इसको क्या है ना 5 लीटर ऐड कर देता हूँ पानी और, ताकि हमारा जो ग्रेवी थिन हो जाए और पतले जैसा हो जाए, और इसको अच्छे से बॉईल करना है ताकि जो हमारा ग्रेवी पहले देख लीजिए इस तरह रोगन है ना, लास्ट में सेम इसी तरह से रोगन हो जाएगा। तो अभी क्या है ना हम लोग थिन कर देते हैं ताकि जो हमारा ग्रेवी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और कुक हो जाए प्रॉपर तरह से, रोगन छोड़ दे। तो इस तरह से मैं 5 लीटर पानी ऐड कर दिया हूँ। अभी क्या है ना दोस्तों, ज़्यादा से फ्लेम में रखा हूँ ताकि हमारा जो बॉईल हो सके। इस तरह से मैं 400 ग्राम तक सॉल्ट ऐड किया हूँ। तो देख लीजिए हमारा जो ग्रेवी है बॉईल हो रहा है, देख लीजिए कितना स्पीड में। अभी क्या है इसको स्लो फ्लेम में रख देता हूँ ताकि जो हमारा ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो जाए। देख लीजिए हमारा ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो गया है, रोगन छोड़ दिया है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन लोग भी इस तरह का वाइट ग्रेवी बना सके। इस तरह से मैं स्लो फ्लेम में कुक किया हूँ ताकि जो हमारा ग्रेवी नीचे लगना नहीं चाहिए। आप चाहे तो तावा लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो बीच बीच में रह के इसको मिक्स करना है ताकि आपका जो ग्रेवी है नीचे लगना नहीं चाहिए। जो ग्रेवी होता है बहुत रिस्की होता है, कैसिनेट होता है, बहुत लेविज होता है, इसलिए तावा लगाना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो नहीं तो आप स्लो फ्लेम में कुक करना है ताकि आपका जो ग्रेवी लगने नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारा ग्रेवी रेडी हो गया, वाइट ग्रेवी। अभी इसको स्टील कंटेनर में खाली कर दिया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई